इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती। पोएट्री इश्क में गूंदे थे जो गजरे नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए। सिंगिंग रड़के नहीं तेरा मेरा प्यार सोनिए। डिस्कशंस चैलेंजेस फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मैट्रिमोनियल फॉर द वीमेन विद डिसेबिलिटीज। कल्चरल ईव मुंडा पिंड दासी शहर जाके शहरी हो गया। और उड़ान आइडल का ग्रैंड फिनाले भी। तो इंतजार किस बात का, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। जिंदगी खूबसूरत है विद मी आर जे थरकर। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। शायद आप जान चुके होंगे, वेल ये जो साल है 2017 वो बिल्कुल खत्म ही होने वाला है और नए साल का आगाज होने वाला है। कहां पर, हर जगह यार। जिंदगी खूबसूरत है शो लेकर फिर से आपकी रेडियो की मधुबाला यानी कि बंदी सरगुण संपन्न आपकी आरजू धड़कन ने फिर से एंट्री मार ली है और ये जो एंट्री है ना वो साल की खत्म होने की है और इसके बाद जब मैं आऊंगी ना तो डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट ईयर में मिलूंगी और खूब सारी बातें करेंगे, ढेर सारी मस्ती होगी जैसे कि हमेशा होती है। तो इसके साथ आपको भी शामिल होना पड़ेगा। आपकी न्यू ईयर की पार्टी कैसी हो रही है, क्या आपने तैयारियां की हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज आज घर दिंगी नाम से है या फिर रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे स्काइप की आईडी रेडियो उड़ान पर मुझसे बातें भी कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे हम आज ढेर सारी बातें शादी करेगा। Yeah, very interesting, not my शादी। ये जनरली जो शादी होने वाली होती है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि कुछ बातें शादी से पहले लोगों को समझना और जानना बहुत जरूरी है तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पर इस वीडियो को ट्राई के बाद देखती हूँ। करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कहना कहना चाहे जो आए
bag se karenge sabka swagat. Y'all ready to bring the riff back? Swag se karenge sabka swagat. Karenge sabka swagat. Swag se karenge sabka swagat. Swag se karenge sabka swagat. Hey, I am excited to recite my poetry. I am excited for my singing. Well, I will rock the stage and I am excited for my participation. I am excited for my participation in the play. I wanna enjoy grand finale of Udaan Idol. We all are excited for the grand event of Radio Udaan. What about you? Seats are limited. So register now on www.radioudaan.com. Happy listening. My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. Kuch khaas nahi kiya. Kai baar to main bahut dari hui bhi rehti hu ki will there be anybody to help him at every stage in his life? It's time for a change. I nominated my son for Enable Travel 70 Trips to Freedom. अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज. नॉमिनेट योर डिजेबल फ्रेंड और योर डिजेबल फैमिली मेंबर फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम. सेंड देम ऑन द बेस्ट हॉलिडे ऑफ देयर लाइफ. जिंदगी खूबसूरत है शो लेकर फिर से आपकी रेडियो की मधुबाला धड़कन ने एंट्री मार ली है. वैसे कैसे आप, आपके हालचाल कैसे हैं, ये तो मुझे जरूर बताइए. उसके साथ ये भी बताइए कि आपके घर में किसी की शादी वादी है तो नहीं, अगर है तो मुझे भी बुलाइए क्योंकि बहुत दिन से मैं किसी पार्टी में गई नहीं हूँ. इनफैक्ट
एक्चुअली मैंने भी अभी शादी करी है, पर सॉरी मैंने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया क्योंकि सब इतनी जल्दी में हो गया, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट इनवाइट, बट आपकी दुआएं आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है और मेरा प्यार भी हमेशा आपके साथ है। वेल शुक्रवार का दिन करेक्ट 7 बजे, जैसे कि मैं हमेशा आ जाती हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने, तो वो भी हम करेंगे। और आज का स्पेशल वाला शो है जो कि शादी के ही ऊपर है। जब भी शादी करने हम जा रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में खटकती रहती हैं कि कैसे होगा, क्योंकि हम एक नई जिंदगी में एंटर करने जा रहे हैं जिसके बाद हमारी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए जो हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकती है। तो करेंगे उस पर ढेर सारी बातें और पार्टी में इनवाइट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ये सारी बातें होती रहेंगी, पर उससे पहले ये खूबसूरत सा गाना, ऑल योर जिंदगी खूबसूरत है। स्टे ट्यून्ड। होगी वन टू टू ओ कुड़िए वट टू डू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी तू एवें उड़ी दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दी या अंग्रेजी पढ़ दी किट पिट तू कर दी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नज पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नज पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती। पोएट्री। इश्क में गूंदे थे जो गुजरे
नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए। सिंगिंग, रड़के नहीं तेरा मेरा प्यार सोनिए। डिस्कशंस, चैलेंजेस फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैट्रिमोनियल फॉर द वीमेन विद डिसेबिलिटीज। कल्चरल ईव, मुंडा पिंड दासी शहर जाके शहरी हो गया। और उड़ान आइडल का ग्रैंड फिनाले भी। तो इंतजार किस बात का, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। हे, आई एम एक्साइटेड टू रिसाइट माय पोएट्री। आई एम एक्साइटेड फॉर माय सिंगिंग। Well, I will rock the stage and I'm excited for my participation. I am excited for my participation in the play. I wanna enjoy grand finale of Udaan Idol. We all are excited for the grand event of Radio Udaan. What about you? Seats are limited. So register now on www.radioudaan.com. Happy listening. जिंदगी खूबसूरत है शो लेकर फिर से आपकी खूबसूरत सी बंदी आरजे धड़कने फिर से एंट्री मार ली है। वेल, मैं जैसे यहाँ बताने वाली हूँ कि शादी करने से पहले क्या क्या चीजें हमें अपने हम सफर के साथ या जिससे शादी होने वाली है या बात हो रही है, क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें शेयर कर लेनी चाहिए। अगर मैं पहली बात करूँ तो पहली जो मुलाकात होती है वो बहुत जरूरी होती है और इस मुलाकात के बाद ये डिसाइड करना होता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे या नहीं, एक दूसरे के साथ रह पाओगे या नहीं। इसलिए कई लड़के लड़की कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन ये गलत है। इस मौके पर आप चुप तो बिल्कुल मत रहिए, एक दूसरे से आप लोग सवाल करें, बातें करें, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, उनकी हॉबी क्या है, क्या करते हैं, ये सारी चीजें पूछने से सामने वाले का बिहेवियर, उसका नेचर पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि हम अपनी पूरी लाइफ इनके साथ एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मुलाकात होना बहुत जरूरी है और मुझसे मुलाकात करने के लिए आपको कन्वेंशन में आना पड़ेगा। जी हाँ, रेडियो उड़ान का कन्वेंशन होने जा रहा है जहाँ पर हम सब मिलने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती भी करने वाले हैं। तो अगर आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो कन्वेंशन में जरूर आइएगा। कुछ और बातें शेयर करूंगी रेडियो उड़ान की स्क्रीन पर, स्टे ट्यून्ड। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी प्रेम रतन
My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया. कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ. इट्स टाइम फॉर अ चेंज. आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम. अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज. Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. No worries. If even you're not in top 16, still, you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udaan Idol Grand Finale among these top 16. Geetika, Muskan, Sarita, Diksha, Sarika, Manglesh, Shiva, Ashwin, Rakhi, Rohit, Dheeraj, Mamta, Tarun, Resham, Deepna, Yafir Raj. Do hurry and send SMS us. We are typing UI space first, second, third. Along with the name of the participant and your name on 94636-68196. Happy winning! इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती. पोएट्री. इश्क में गूंदे थे जो गजरे नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए. सिंगिंग. रड़के 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 नी तेरा मेरा प्यार सोनिए. डिस्कशंस. चैलेंजेस फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैट्रिमोनियल फॉर द वीमेन विद डिसेबिलिटीज. कल्चरल ईव. मुंडा पिंड दासी शहर जाके शहरी हो गया. और उड़ान आइडल का ग्रैंड फिनाले भी. तो इंतजार किस बात का? लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल. रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com. हैप्पी लिसनिंग. खूबसूरत है विद मी आरजे धड़कन. कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान. यहाँ आपसे फाइट करने नहीं जा रही हूँ, मैं उड़ान आइडल के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है
रेडियो उड़ान की कन्वेंशन में, तो उसकी ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए आप जरूर कन्वेंशन में आइएगा। वेल, जिंदगी खूबसूरत है शो चल रहा है रेडियो उड़ान पर, और यहाँ पर हम शादी से पहले की कुछ बातें शेयर करने वाले हैं जो आप अपने हमसफर से शेयर कर सकते हो। एक चीज तो मैंने आपसे बता दी कि मुलाकात होना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरी बात करें तो कई लड़के और लड़कियों को बीते हुए कल के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है कि इसका बीता हुआ कल, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट में होती है। लेकिन ये गलत है। कभी भी अपने फ्यूचर पार्टनर से एक्स के बारे में ना पूछें। जब तक वो खुद अपने आप से आपको नहीं बताए तब तक आपको नहीं पूछना चाहिए। जब वह आप पर भरोसा करने लगेंगे तो खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। इसलिए पहली मुलाकात में कभी भी एक्स के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आपके फ्यूचर में इफेक्ट डालेंगी और इससे आपकी जिंदगी में हलचल आ सकती है। तो ये हलचल ना हो और कोई भागम भाग ना हो आपकी जिंदगी में, उसके लिए पास्ट के बारे में ना ही पूछना बेहतर है। बोल मेरे बारे में अगर आपको पूछना है तो बिल्कुल आप मुझसे बातें कीजिए और मैं जरूर अपने बारे में आपको बताऊंगी और आपसे भी आपके बारे में पूछूंगी। और यहाँ पर खूबसूरत से गाना प्ले करूंगी सिर्फ आपके लिए, और भी बातें बताऊंगी पर इस ब्यूटीफुल से गाने के बाद। स्टे ट्यून्ड। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। Thank you.
No worries. If even you're not in top 16, still, you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udaan Idol Grand Finale among these top 16. Geetika, Muskan, Sarita, Diksha, Sarika, Manglesh, Sheba, Ashwin, Rakhi, Rohit, Dheeraj, Mamta, Tarun, Resham, Deepna, Ya Fir Raj. Do hurry and send SMS us. We are typing UI space first, second, third. Along with the name of the participant and your name on 94636-68196. Happy winning! आप सुन रहे रेडियो उड़ान और जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उन्हें मैं ये बता दूं कि शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत सिवनी आरजे धड़कन के साथ। और यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं जो शादी होने से पहले ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात ये है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उन्हें बस एक लाइन कह दें कि जब भी आप लेट होंगी खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और घर के काम में भी मैं हाथ बटाऊंगा। आप बस इन दो बातों को लड़की से कह दे तो आपको मना करेगी ही नहीं, क्योंकि आजकल के वक्त में पार्टनर घर और बाहर दोनों जगह पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी खुश रह पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से मैन अकेला घर के बाहर काम करना चाहता है तो घर की लेडी ये सोचती है कि हम भी फाइनेंशियली उनकी थोड़ी हेल्प करें और वो भी जॉब पे लग जाती है। तो जब सेम एज इट इज वो सोचती है तो ऐसा मैन क्यों नहीं सोचते, क्योंकि जब औरतें घर के बाहर काम करती हैं और घर का भी काम कर सकती हैं तो मैं थोड़ा बहुत घर के काम में तो हाथ बटा ही सकते हैं ना, ये चीज सोचनी तो चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है और ये करना ही चाहिए, भले ज्यादा नहीं पर अगर मैन लोग अगर थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे ना तो लेडीज लोगों को इतनी खुशी मिल जाती है दिल में कि वो आपसे इतना काम नहीं कराएंगे फिर भी जो फीलिंग्स होती है ना कि ये मेरे साथ है मेरा काम करवाते हैं वो बहुत बड़ी होती है जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो हमेशा अपने पार्टनर का साथ दीजिए और अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाते रहिए मेरे जैसे। जिंदगी खूबसूरत है, शो चल रहा है और कुछ बातें अभी और भी बाकी है, बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड।
सदा सुनाई दे। ओ इतने नजदीक लाएंगे हम, इस कदर हम भी तुम पे मरते हैं, ओ तुमको दूल्हा बनाएंगे हम। मेरे जीवन साथी, इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती। पोएट्री। इश्क में गूंदे थे जो गजरे नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए। सिंगिंग। रड़के 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 नी तेरा मेरा प्यार सोनिए। डिस्कशंस। चैलेंजेस फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मैट्रिमोनियल फॉर द Women with disabilities. Cultural Eve. Munda pind da si shehar jaake shehri ho gaya. Aur Udaan Idol ka grand finale bhi. To intezar kis baat ka? Limited seats are available. Registration ke liye aaj hi login kare hamari website www.radioudaan.com. Happy listening. शादियों में एक चीज बड़ी बुरी लगती है मुझे, ये कि कई लोग शादियों का खाना देखकर फटाफट से थालियों में इतना सारा भर लेते हैं जिससे कि दोबारा खाना मिलेगा ही नहीं, और एंड होते 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 ऐसा होता है कि फिर उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती, तो इतना सारा खाना वो वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि खाना तो कहीं जाने वाला नहीं, इतना सारा खाना आपके सामने रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ही लीजिए और जब खत्म हो जाए तो फिर से जाके ले लीजिए। इतनी तकलीफ आप नहीं कर सकते और उसके चक्कर में देखिए कितना सारा खाना वेस्ट हो जाता है।
तो चलिए ये तो शादी की बात हो गई, जैसे मैं और भी शादी की बात शेयर कर रही हूँ, तो सबसे आखिरी बात ये है कि फ्यूचर के बारे में अपने पार्टनर से बात करना बहुत जरूरी है। पहली मुलाकात पर ही अपने पार्टनर से फ्यूचर के बारे में बात करें, आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, इस बारे में आपको खुलकर बात करनी चाहिए। क्योंकि ना इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका पार्टनर आपके सपनों को लेकर कितना सपोर्टिव है और कितनी आपकी हेल्प करेगा। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के सपने उनके घर में पूरे नहीं हो पाते, पर ऐसा हम सफर उसे जरूर मिलता है जो उसके सपने को जीता है। तो आई विश ऐसा हम सफर सबको मिले जो उसकी होने वाली वाइफ के सपने को पूरा कराए, जस्ट लाइक मी, क्योंकि मुझे हस्बैंड वैसे ही मिला है जो कंटिन्यू मुझे काम करने दे रहा है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और आगे भी वो मेरा सपोर्ट करेंगे, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए गॉड को थैंक यू बोलना तो बनता है। और जिंदगी खूबसूरत शो पर तो ये थी शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हो गई बात। तो जिंदगी को इसी तरह खूबसूरत बनाते रहिए और इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। और मैं भी आपका ध्यान रखती हूँ। अगर आप भी किसी को मैसेज शेयर करना चाहते हैं, किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, या किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और भी करेंगे आपसे बातें जिंदगी खूबसूरत है के प्लेटफॉर्म पर। स्टे ट्यून्ड। Oh,
कबीरा। No worries, if even you're not in top 16, still, you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udaan Idol Grand Finale among these top 16. Geetika, Muskan, Sarita, Diksha, Sarika, Manglesh, Sheba, Ashwin, Rakhi, Rohit, Dheeraj, Mamta, Tarun, Resham, Deepna, Ya Fir Raj. Do hurry and send SMS us. We are typing UI space first, second, third. Along with the name of the participant and your name on 9463668196. Happy winning! क्योंकि मैं अब अगले साल आने वाली हूँ। जी हाँ, 2018 में आने वाली हूँ और सेम एज इट इज आपके दिल की धड़कन में हमेशा बनी रहूं। और जिस तरह ये साल खत्म हो गया, बहुत सारी यादें बनी, बहुत सारे नए मोमेंट्स हमारी लाइफ में जुड़े, तो एक बार मेरी तरफ से सॉरी अगर कोई मेरी बात अगर आपको कभी बुरी लगी हो या फिर मैंने कभी आपको हर्ट किया हो, वैसे ऐसा तो हुआ नहीं होगा, बट अगर ऐसा है तो सॉरी फॉर दैट। एंड आई विश कि आपका ये जो प्यार है वो 2018-2019 ऐसे बरकरार रहे और आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां जो इस साल थी वो भी आगे कंटिन्यू रहे। सो मैं ऐसे जाती हूँ और अगले साल मिलूंगी 2018 में। सो हैव अ नाइस डे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड न्यू ईयर। God bless you, thank you and bye-bye. मालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है, शुभ मंगल सावधान। मैं तो आया रे, डोली बारात
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा डीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शक्न तेरी के लगन तेरी के हमने गंत तैयारी है। नच देने सारे My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. खूबसूरत है विद मी आरजे थरकर। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान।